हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने क्या किया था, एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने रैंडम वेरिएबल की और फंक्शन की भी हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड कर ली। तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। जैसे मैंने ओवरव्यू में आपको एक बार बताया था कि जहाँ मैंने आपको आउटलाइंस दी थी कि कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं, तो आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन में आपके यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं, मतलब दो प्रॉपर्टीज बेसिकली। फर्स्ट इज एडिशनल थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सेकंड आपकी आती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो ये दोनों हम इसमें करने वाले हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन आप यहां पे लिख सकते हो एडिशनल थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड सेम आपका यहां पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम दो दो वेरिएबल्स का लेके चलेंगे, फिर हम इसका जनरलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ ओनली टू वेरिएबल्स का, दोनों का, मतलब एक का अभी हम डिस्कस करेंगे एडिशनल थ्योरम का, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन, और इनकी जो जनरलाइजेशन है वो हम अलग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ मेरा बस ये कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आ जाए, उसके बाद आप जनरलाइजेशन पे फोकस करो, ठीक है। तो अगर आपको वैसे भी अगर आपको मतलब दो रैंडम वेरिएबल्स का अगर हम लेके चल रहे हैं तो आपको जनरलाइजेशन वाला पार्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एडिशनल थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन, ओके। तो गाइस सपोज मैं यहाँ पे आपके दो रैंडम वेरिएबल ले लेती हूँ, जनरली हम जैसे एक्स एंड वाई चूज करते हैं, तो सपोज एक्स एंड वाई मेरे पास क्या है, टू रैंडम वेरिएबल्स, टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज मेरे को इनकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है एडिशनल वे में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, है ना। तो यहाँ पे मेरे को इसकी एक्सपेक्टेशन मतलब ये मेरा आना चाहिए अल्टीमेटली। एंड यहाँ पे गाइज अगर मैंने ये लिखा है इसका मतलब इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम इसका बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, तो प्रूफ को हम कैसे मतलब प्रोसीड करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो गाइज यहाँ पे बाय डेफिनेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ एक्स अगर मेरे को लिखना है सपोज, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। एंड अगर सपोज मेरे को ई ऑफ वाई लिखना है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे यहाँ पे एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स है तो यहाँ पे वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बाय डेफिनेशन। अब क्योंकि मेरे को प्रूव करना है ये वाला, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला हम लेके चलेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड वाला लेके चलेंगे, तो दैट मीन्स ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख रही हूँ यहाँ पे, पीडीएफ मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दोबारा से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे हमारे दोनों आ जाएंगे एक्स प्लस वाई, राइट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ एक्स एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई, ओके। तो अब इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करती तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स एफ एक्स एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई प्लस सिमिलरली बस यहाँ पे y वाला आ जाएगा अब, क्योंकि हम अब पहले हम ये वाला ले रहे थे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे यहाँ पे ये वाला, और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिमिलरली अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दो बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ ले रहे हैं, ओके। तो ये आपके आप यहाँ पे आ जाएगा वाई एफ एक्स एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई, एंड गाइज यहाँ पे आपका वाई भी है, ठीक है, यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये मैंने लिख दिया आपका अलग अलग केस, तो अब गाइस मैं इसका अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन यहाँ पे मैं सपोज एक्स को अलग कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स कोमा वाई सबसे पहले तो, और यहाँ पे एक्स कोमा वाई, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी वाई, इनको मैं लिख लेती हूँ एक ब्रैकेट में, और एक आपका जो डी एक्स बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्लस में आपका यहाँ पे ये आ जाएगा सेम जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग किया है, यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड वाली, अगेन एक ये वाला आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपका वाई मैंने अलग रख लिया एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स और ब्रैकेट के बाहर आपका डी वाई, ठीक है। तो
तो यहां पे देखो ये जो आपका होता है ये मैंने अभी डिफाइन किया था, आपके पास ये हो जाएगा क्या माइनस इनटू इन्फिनिटी, ये आपके पास बन जाएगा एफ एक्स एक्स डी एक्स प्लस ये आपके पास बन जाएगा माइनस इनटू इन्फिनिटी ये वाई, और ये आपके पास आ जाएगा वाई डी वाई। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है आपका ये क्या है ई ऑफ एक्स राइट, और ये आपके पास हो जाएगा ई ऑफ वाई। ओके सो गाइज इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। सो आई होप आपको ये प्रूफ मतलब क्लियर हो गया होगा, ये आपके पास है ई ऑफ एक्स प्लस वाई हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड विद द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। ओके सो या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।